संगीता सिंह फ्रॉम गौरमी राजपुताना। आज आपके लिए हम लोग एक ट्रेडिशनल रेसिपी खड़ी मुर्ग लेके आ रहे हैं, जो मैं आपको अभी बताऊंगी कैसे बनता है। खड़ में डालने के लिए हम लोग इन्ग्रीडियंट्स देखेंगे, सारे गरम मसाले, दालचीनी, लौंग, काली मिर्च, बड़ी इलायची, हरी इलायची, तेज़पत्ता, ये सब गरम मसाले डालूँ, प्याज, लहसुन, अदरक का पेस्ट, इसका मसाला बनाएंगे खड़ के लिए। मैरिनेशन के लिए हम लोगों ने लिया है दही, इसमें थोड़ा लहसुन अदरक डलेगा, मिर्ची डलेगी, नमक डलेगा। कुछ कट्स लगा दिए, अब इसको मैरिनेट करेंगे, इसके कट्स में सब अच्छी तरह से इसको डालेंगे। अब इसको 3-4 घंटे के लिए रख देंगे ताकि सारे मसाले अच्छी तरह अंदर तक चले जाएं। हांडी में जो तेल डाला था वो गर्म हो गया है। अब सारे गर्म मसाले, लौंग, तेज पत्ता, काली मिर्च, बड़ी इलायची, हरी इलायची, सब डालेंगे। मसाले डालने के बाद इसमें कटे हुए प्याज डालेंगे, कटे हुए प्याज डल गए, प्याज अब लाल हो गए, इसमें प्याज और लहसुन का पेस्ट डालेंगे, अच्छी तरह भूंजेंगे। प्याज और लहसुन का पेस्ट डाल चुके हैं, अब इसको काफ़ी देर तक भूजना होगा। अब इसमें अदरक डालेंगे और उसे अच्छी तरह भूजेंगे। धनिया, ये चारों चीज़ें अभी मिलाएंगे, मिर्ची मिला रही ये बहुत अच्छा कलर आ गया है, तेल ऊपर आ गया है। अब इसमें थोड़ा दही डालेंगे, थोड़ी सी खटाई रहती है तो टेस्ट अच्छा आता है। ये मैंने दही डाल दिया, इसको थोड़ी देर भुंजाई करेंगे अच्छा, ताकि दही कच्चा नहीं हो, बढ़िया भुंजाई करके 10-15 मिनट मसाला तैयार हो गया। करीब तैयार है ये मसाला, करीब मैं 2 घंटे से तैयार कर रही हूँ और अभी बहुत अच्छी तरह तैयार हो गया, पक्के सारे फ्लेवर्स एक दूसरे में जा रहे हैं। खड़ी मुर्ग हमारी पुरानी फैमिली रेसिपीज़ में से एक है, इसे पहले खड्डे में बनाते थे, आज भी हम इसे खड्डे में ही बनाएंगे, इसीलिए इसको खड मुर्ग कहते हैं। पे हमने पेपर लगाया, अब हम रोटियां असेंबल करेंगे। अब हमारा ये मसाला जो तैयार है उसको हम चपाती इस पे लगाएंगे। अपने हम मैरिनेट करा हुआ चिकन को या चपाती इसके ऊपर रखेंगे, इस पर थोड़ा मसाला लगाएंगे, कुछ मसाला अंदर की तरफ भरेंगे, एक अंडा डालेंगे, अनियंस, मिंट लीव्स,
हम इसे असेंबल करेंगे। एक डोरी चाहिए हमको, नीचे की तरफ रखेंगे। ये रोटियां बहुत अच्छी तरह बन जाएं, टूटे नहीं। जब तक ये बंधे नहीं तब तक धागे को अच्छी तरह उसके चारों तरफ घुमाते रहें। अब ये अच्छी तरह बन गया है। रोटी में रैप करे हुए चिकन को हम फॉइल में डालेंगे। आप देख रहे हैं कि एक फाइनल एक पॉकेट बन चुकी है। अब इसको हम कोयले पे लेके जाएंगे। रैप करने के बाद एक गीले मसलिन क्लॉथ से इसको रैप करेंगे ताकि थोड़ा मॉइस्चर बना रहे, और उसके बाद हम इस पर मिट्टी लगा के उसको पिट में उतारेंगे। ऑयल लपेटने के बाद अपन ने इसको मसलिन क्लॉथ से रैप करा। इस पर ये करेंगे कि एक थोड़ी मिट्टी लगाएंगे और उसको पिट में उतारें। फूल तैयार है और ये हमारा पिट है। इस पिट में 8-10 चिकन आराम से बनते हैं। आज एक ही है इसलिए मैं थोड़ा उस छोटे पिट में रेडी है। ये चिकन रेडी है, बस अब इसमें रैप करके हमारे पिट्स तैयार हैं। उसमें फाइनली चिकन उतारने जा रही हूँ मैं।